बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार अपनी फिल्मों को लेकर हमेशा लाइमलाइट में रहते हैं। अक्षय कुमार इन दिनों फिल्म बड़े मियां छोटे मियां को लेकर चर्चा में भी हैं। इसी बीच उनकी फिल्मों की लिस्ट में एक नया नाम भी जुड़ गया है। अक्षय कुमार 14 साल बाद एक बार फिर फिल्म मेकर प्रियदर्शन के साथ काम करने जा रहे हैं। इस बात का ऐलान खुद प्रियदर्शन ने एक इंटरव्यू के दौरान किया है और फिल्म को लेकर कुछ जानकारी भी दी है। दरअसल हाल ही में फिल्म मेकर प्रियदर्शन ने बताया कि वो एक हॉरर कॉमेडी फिल्म बनाने जा रहे हैं। इसके अलावा जिन लोगों को ये लग रहा था कि इस फिल्म का कनेक्शन भूल भुलैया से होगा, उनकी सारी गलतफहमियों को उन्होंने दूर कर दिया है। प्रियदर्शन ने दूर करते हुए ये गलतफहमी को कहा कि उनका ये नया प्रोजेक्ट बिल्कुल ओरिजिनल होने वाला है, क्योंकि ये फिल्म भूल भुलैया का सिक्वल नहीं होगी। ये उनकी नहीं बल्कि एकता कपूर की स्क्रिप्ट है। ये एक फैंटेसी हॉरर जोन वाली कॉमेडी फिल्म होगी। इतना ही नहीं, प्रियदर्शन ने यह भी कहा कि उनकी अपकमिंग फिल्म इसी साल अक्टूबर महीने में फ्लोर पर उतरेगी। फिलहाल फिल्म का प्री प्रोडक्शन वर्क जारी है। इस फिल्म को लेकर अक्षय कुमार के फैंस काफ़ी एक्साइटेड भी दिख रहे हैं। अक्षय कुमार और फिल्म मेकर प्रियदर्शन लंबे वक्त के बाद साथ में काम करते हुए नजर आएंगे। 14 साल पहले उन्होंने 6 फिल्मों में साथ काम किया था। साल 2010 में इस जोड़ी ने आखिरी बार खट्टा मीठा में साथ काम किया था। अपने एक इंटरव्यू के दौरान फिल्म मेकर प्रियदर्शन ने भूल भुलैया के सिक्वल को लेकर भी बात की। उनका कहना था कि वह भूल भुलैया की सक्सेस से काफ़ी खुश हैं। इस फिल्म के सिक्वल को बनाना आसान नहीं था। फिल्म मेकर ने भूल भुलैया के सिक्वल के लिए अनीश बज्मी को बधाई भी दी। इस वीडियो पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप सभी बने रहें TV9 भारतवर्ष के साथ। साथ ही वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।